हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आनंद संदेश और बहुत सारे लोग मुझे इंग्लिश गुरु आनंद संदेश के नाम से भी जानते हैं। आज हम इस सेशन में इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ लेसन्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद यू गाइस। सबसे पहले जो अभी आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड आएगा, लाइक लर्न फ्लुएंट इंग्लिश विदाउट cramming tenses, world's easiest method to teach English language. ये possible कैसे है, हम अभी आने वाले समय में इसको देखेंगे। सबसे पहले we will talk about some facts about English language and India. इंडिया के लोगों को लेकर के, इंडिया में English को लेकर के कुछ facts है जो मैं आपके सामने अभी discuss करने वाला हूँ। उसमें सबसे पहला fact है कि after spending 15 years in school, almost 90% students in India are not able to speak fluent English language. करीबन 15 से 16 साल लग जाते हैं स्कूल में पढ़ाई करते करते प्लस टू तक के लिए। उसके बावजूद 90% स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में हमेशा दिक्कत आती है, वो फ्लुएंटली इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल पाते जैसे कि वो हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी बोलते हैं। दूसरा फैक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आफ्टर स्पेंडिंग 15 इयर्स इन स्कूल, करीबन 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको लिखने में भी ग्रामर का दिक्कत आता है, वो लिखने में भी ग्रामर की मिस्टेक करते हैं। तो 70% स्टूडेंट्स इन इंडिया कमिट मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर व्हाइल राइटिंग। आगे डिस्कस करते हैं। एक सर्वे अभी हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का आया, वो कहता है कि 97% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कैनॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। सोचिएगा जरा, ये सर्वे आया, आप देख सकते हैं इसकी डेट भी है नीचे, August 8, 2015 हिंदुस्तान टाइम्स का ये सर्वे आया। तो आप सोच सकते हैं कि इंग्लिश को लेकर के हमारे देश में जो स्कूल पास आउट होते हैं या कॉलेज से पास आउट होते हैं तो उनकी क्या कंडीशन रहती है। आगे डिस्कस करते हैं How English is taught in India? इंडिया के अंदर हम लोग कैसे इंग्लिश सीखते हैं और कैसे सिखाई जाती है। Two things are used, the English बनाने के लिए, बनाने ही की बात करूंगा, चाहे वो लिखना है चाहे वो बोलना है। तो इंग्लिश को बनाने के लिए हमारे यहाँ दो तरह की चीजें यूज की जाती है, दो तरीके से इंग्लिश हम बनाते हैं, बोलना हो चाहे वो लिखना हो। उसमें हिंदी और टेंसेस को यूज करते हैं। आप चेक कीजिएगा, मैं अभी आपको और डिटेल में बताऊंगा। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे हिंदी और टेंसेस की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाया गया, शायद आपको भी ऐसे सिखाया गया हो। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहां हमें को ये सिखाया जाता था कि जहां रहा रहे रही हो तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएं, और जहां ता तेती हो वहां कुछ और लगाएं, गा गेगी हो तो वहां कुछ और लगाएं। इसका मतलब जो हमारा जो सिस्टम है इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने का, वो दो चीजों से बना हुआ है, एक हिंदी और टेंसेस, कि सबसे पहले मन में हिंदी लेके आए और उस हिंदी को देख करके समझ करके उसके अकॉर्डिंग टेंस लगाए। यहाँ पे मैं आप सभी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आप हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी भाषा बोलते समय किसी दूसरी भाषा में सोचते हैं, क्या किसी दूसरी भाषा का सहारा लेते हैं? मेरे ख्याल में तो नहीं लेते होंगे। मैं पंजाबी बोलता हूँ लेकिन पंजाबी बोलते समय मेरे मन में कोई भी दूसरी भाषा नहीं आती। नहीं, आपका जवाब भी नहीं होगा। अगला सवाल है, क्या हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी बोलते समय आपके मन में कोई टेंस या व्याकरण की कोई बात आती है? मेरे में तो नहीं आती। जब मैं हिंदी बोलता हूँ या मैं पंजाबी बोलता हूँ तो मेरे मन में कभी भी किसी भी तरह का टेंस, ग्रामर, व्याकरण की कोई बात नहीं आती। और मुझे पक्का है कि आपके मन में भी कभी भी कोई ग्रामर टेंसेस नहीं आते होंगे जब आप हिंदी अपनी स्टेट लैंग्वेज बोलते होंगे। तो इससे तो एक बात पक्की हो गई कि अगर मैं हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी जब बोलता हूँ तो मैं किसी दूसरी भाषा का सहारा नहीं लेता। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं पंजाबी बोल रहा हूँ और मेरे मन में पहले गुजराती आ रही है, फिर मैं कोई टेंस, कोई व्याकरण लगा रहा हूँ, उसके बाद में पंजाबी बोल रहा हूँ या हिंदी बोल रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो इंग्लिश बोलते समय हम किसी दूसरी भाषा और टेंसेस का सहारा क्यों लेते हैं?
अगर हम हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी बोलते समय किसी दूसरी भाषा का सहारा, टेंसेस का सहारा नहीं लेते हैं, तो फिर हम इंग्लिश बोलते समय क्यों लें? जैसे हम हिंदी डायरेक्ट बोलते हैं, इंग्लिश भी डायरेक्ट बोलना सीखा जा सकता है। डायरेक्ट मतलब बिना किसी दूसरी भाषा में सोचे और बिना टेंसेस को मन में लाए। ये कैसे हो सकता है? आने वाले समय में हम इसको देखेंगे। अगली स्लाइड में चेक कीजिएगा क्या आ रहा है हमारे पास। Where we go to learn spoken English after school or college. मतलब हमारे यहाँ इंडिया में स्कूल की पढ़ाई करने के बाद या कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे लोग स्पोकन इंग्लिश को के लिए, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करने के लिए कहाँ जाते हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, जहाँ वो प्राइवेट कोई ट्यूटर, कोई टीचर हायर कर लेते हैं और उनसे प्राइवेट क्लासेस लेते हैं। आगे डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट क्या है। अच्छा, जब भी हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं या प्राइवेट ट्यूटर के पास जाते हैं, तो वो हमको इंग्लिश सिखाने के नाम पर क्या कहता है कि मैं आपको इंग्लिश कैसे सिखाऊंगा? मुझे तक यहाँ तक पता है कि आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएंगे या आप किसी प्राइवेट ट्यूटर के पास जाएंगे और पूछेंगे कि सर आप या मैडम आप इंग्लिश कैसे सिखाएंगे, तो आपको तीन बातें कहेंगे। पहली बात, वो कहेंगे कि हम आपको ग्रामर टेंसेस कराएंगे। दूसरी बात, हम आपको वोकैब कराएंगे। और तीसरी बात जो है वो कहेंगे कि हम आपको प्रोनंसिएशन, शब्दों का सही उच्चारण सिखाएंगे। तो एक काम कीजिएगा, आज के बाद किसी भी प्राइवेट ट्यूटर, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, तो अगर वो बोलते हैं कि हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए ग्रामर टेंसेस सिखाएंगे, तो उनसे एक सवाल पूछेगा, कौन से टेंसेस, कौन सी ग्रामर, वही ग्रामर के रूल, वही टेंसेस जो मैंने स्कूल में पढ़े? बोलेंगे हाँ, ग्रामर तो वही होती है, टेंसेस वही होते हैं जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। तो उनको एक बात बोलेगा कि स्कूल में मैंने 15 साल वो ग्रामर, वो टेंसेस पढ़े, बट मुझे इंग्लिश बोलने में अभी भी दिक्कत है, बहुत अच्छी खासी दिक्कत है, तो आप फिर से मुझे सिखाओगे? अच्छा, अगर वही मुझे सीखने हैं तो मार्केट में चेक कीजिएगा कि ग्रामर की बुक अवेलेबल है जो 250 से 500 रुपए के बीच में अच्छी बुक मिल जाएगी। तो अगर ग्रामर टेंसेस ही फिर से सीखना है, तो मैं मार्केट जाकर के 250 रुपए का 500 रुपए का कोई किताब ले आऊंगा? पर एक बात श्योर है, उसके बावजूद इंग्लिश बोलना आएगा नहीं आएगा ये आपको मालूम है, क्योंकि आपने 12-15 साल जो स्कूल में पढ़ाई किया उसमें 7-8 साल ग्रामर टेंसेस तो पढ़े होंगे। उसके बावजूद मैंने आपको जो डाटा दिया कि 90% स्टूडेंट्स इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल पाते जैसे कि वो हिंदी पंजाबी बोलते हैं, और दूसरा कि लिखने में भी 70% स्टूडेंट्स लिखने में भी ग्रामर का मिस्टेक करते हैं, तो क्या करें फिर? चलिए, एक मेथड हम लोगों ने डेवलप किया बहुत साल पहले और काफ़ी सालों से उस मेथड से हम लोगों को हेल्प करते आ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। आप भी इसको चेक कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा जो डिस्कशन है वो इंग्लिश को लेकर है कि किस तरीके से बिना टेंस रटे, बिना हिंदी सोचे, बिना ग्रामर के रूल्स रटे हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलना कैसे सीख सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड विद दैट। इसके लिए स्पेशली मैं आपके लिए कुछ आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा आपके पास। मैंने यहाँ पर एक हिंदी में वर्ड लिख रहा हूँ, आप मुझे पढ़ के बताइएगा कि मैंने क्या लिखा। माफी चाहता हूँ, थोड़ी हिंदी की मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। इसलिए लिखा है आना। ओके, जाना, खाना, पीना। अच्छा, अगर हम देखें तो हिंदी में जो मैंने वर्ड लिखे हैं, आना, जाना, खाना, पीना, बैठना, तो शायद इन वर्ड्स को मैं हिंदी में क्या कहूंगा? मेरे ख्याल में इनको हिंदी में हम कहते हैं काम, कि ये सारे के सारे क्या हैं? काम है। आना, जाना, बैठना, सोना, खाना, पीना, ये सारे काम होते हैं। मेरी बात मानिएगा, क्योंकि आपने हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग इसको चलना है, तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो काम होता है ना, काम, उसको हम अपने कोर्स की भाषा में कहते हैं एक्शन। तो आपको भी ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि जिसको हम हिंदी में काम कहते हैं उसी को हम इंग्लिश में एक्शन कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, बैठना, सोना, नहाना, ये काम है, तो उसी को हम इंग्लिश में एक्शन कहते हैं। जैसे हिंदी में ये नाक है तो इंग्लिश में से नोज कह दिया, हिंदी में कान है तो इंग्लिश में हमने इसे ईयर कह दिया। उसी तरीके से जो काम होते हैं उसी को हम अपने कोर्स की भाषा में क्या कहते हैं? एक्शन। इसका मतलब आना जैसे हिंदी में काम है,
तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कम। तो कम क्या हुआ, ये एक्शन हुआ। अच्छा जाना, गो ये काम है हिंदी में, तो इंग्लिश में गो, गो क्या हुआ, एक्शन हुआ। ईट ये एक्शन हुआ, ड्रिंक ये भी एक्शन हुआ, और सिट सिट भी एक्शन हुआ। तो जिसको आप हिंदी में काम कहते हैं उसी को हम इंग्लिश में एक्शन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं आगे क्या है। चूज व्हाट आर द एक्शंस एंड नो एक्शंस, कि क्या एक्शंस हैं क्या एक्शंस नहीं है उसको चूज करते हैं। जैसे पहला वाला वर्ड लिखा हुआ है गो, आपके अकॉर्डिंग क्या है ये, गो मतलब जाना। अच्छा ये कोई काम है, एक एक्शन है। कम, कम मतलब आना, तो ये भी क्या है, ये काम है, ये एक एक्शन है। टीचर, क्या टीचर काम है, नहीं, टीचर तो काम नहीं है, ये क्या है, ये किसी का प्रोफेशन है। अच्छा वॉक, वॉक मतलब चलना, हाँ ये भी काम है, एक्शन है, ये भी एक्शन है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। अच्छा ये तो किसी का गुण हो गया, किसी की क्वालिटी हुई, मतलब ये एक्शन नहीं है, ये किसी की क्वालिटी हो गई। अच्छा सिंगर, सिंगर क्या कोई काम है, कोई एक्शन है, नहीं सिंगर कोई काम एक्शन नहीं है, ये क्या है, ये भी किसी का प्रोफेशन है, काम धंधा है। हैप्पी, हैप्पी क्या कोई काम है, क्या ये कोई एक्शन है, नहीं, ये कोई काम नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं है, ये तो है, ये क्या है, किसी की अवस्था है, किसी की हालत है, इंग्लिश में बोलेंगे तो किसी की कंडीशन है। आगे चेक कर लेते हैं, आगे लिखा है राइट, राइट मतलब लिखना, लिखना मतलब काम, काम एक्शन, हाँ ये एक्शन है। जंप, जंप मतलब जंप मारना कूदना, ये भी काम है, एक्शन है, हाँ एक्शन है। प्ले एक्शन है। सैड, सैड एक्शन, हाँ ये कंडीशन है, किसी की अवस्था है, किसी की हालत है कि उदास है। ओंकार सिंह, ये क्या है, ये नेम हो गया। टीच, हाँ टीच मतलब पढ़ाना, ये एक्शन है ना। चलिए इस तरीके से हमने समझा कि कुछ वर्ड्स आपको एक्शन देखे, कुछ वर्ड्स आपको एक्शन नहीं देखे। आई होप कि आपको एक्शन की पहचान हो रही होगी। आगे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपने चूज करना है कि किस सेंटेंस के अंदर एक्शन है। लिखा है आई एम गोइंग, चेक करो इसमें एक्शन है क्या। इसमें एक्शन है, एक्शन है गो। अच्छा शी इज कुकिंग, इसमें कोई एक्शन है, हाँ एक्शन है बिल्कुल, कुक। आई एम आनंद, इसमें तो एक्शन नहीं है, हाँ इसमें एक्शन नहीं है, इसमें नेम है। अच्छा शी इज अ डॉक्टर, नहीं इसमें भी एक्शन नहीं है, इसमें तो प्रोफेशन है किसी का। ही इज स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब सोना, सोना स्लीप, हाँ ये तो काम है, ये एक्शन है। यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, क्वालिटी है, गुण और गुण है, गुण है, नहीं ये एक्शन नहीं है। आई एम टीचिंग, टीचिंग मतलब पढ़ाना, पढ़ाना मतलब टीच, हाँ ये एक्शन है, ये काम है, ये एक्शन, राइट। शी इज हैप्पी, खुश मतलब नहीं, ये जो है ये काम एक्शन नहीं है। ही इज डांसिंग, ये क्या है, ये भी काम है, ये भी एक्शन है। तो हमने देखा कि सेंटेंसेस के अंदर आपको क्या, मैं आपको किस चीज पर लेके जा रहा था बार बार, कि एक्शन की, आपको एक्शन की पहचान होनी चाहिए कि एक्शन क्या है। तो इसका मतलब आपको एक्शन की पहचान अभी तक होगी होगी कि जिसको हम हिंदी में काम कहते हैं उसी को हम इंग्लिश में एक्शन कहते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, बैठना सोना नहाना, ये काम हुआ, उसी को हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ करके हम अब एक पहले तरह के सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। पहले तरह के सेंटेंस को मतलब चेक कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपके लिए कि हिंदी में सेंटेंस लिख रहा हूँ कि मैं खेल रहा हूँ। याद करिए जब स्कूल में पढ़ते थे आप क्या होता था, मुझे याद है स्कूल में मैंने सीखा था कि जहां रहा है, रहे हैं, रही है, वहां पर पहले तो ये देखो हिंदी देखो जरा, रहा रहे रही, उसमें एक टेंस लगा दो और फिर इंग्लिश बोलना सीखो, ऐसे सिखाया जाता था। मैंने तो भैया ऐसे सीखा, आई होप कि शायद आपने भी ऐसा सीखा होगा। अच्छा जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो हिंदी बोलते समय मैं किसी दूसरी भाषा में नहीं सोचता, जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो हिंदी बोलते समय मेरे मन में कोई टेंस, कोई व्याकरण नहीं आती। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने सीखा कि अच्छा इंग्लिश बोलना है, अच्छा जहाँ रहा रहे रही हो, मतलब हिंदी देखो पहले, रहा रहे रही हो तो वहां पे ये वाला टेंस लगाइएगा और फिर इंग्लिश बोलेगा, ऐसे सीखा। चलिए एक काम करते हैं, हम इसको
इस सिस्टम के बिना सीखते हैं कि क्या ये रहा रही हिंदी सोचे बिना, क्या टेंस सोचे बिना भी ये सेंटेंस बन सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है मैं खेल रहा हूँ, इसमें चेक करते हैं कि उसमें है क्या। इसमें खेल रहा हूँ, अच्छा ये खेलना क्या है, ये क्या एक्शन है, ये काम है, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक्शन लिख दिया मैंने यहाँ पर, सपोज अंग्रेजी में लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं प्ले। तो प्ले क्या है ये इस सेंटेंस में, ये एक काम है, ये एक एक्शन है। अच्छा मेरी बात मानिएगा, जब भी दुनिया का कोई काम, जब भी दुनिया का कोई एक्शन, चेक कीजिएगा, जब भी दुनिया का कोई काम कोई एक्शन जारी हो, जारी हो मतलब देखिए इस सेंटेंस को पढ़िएगा जरा क्या लिखा, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, ये सेंटेंस हम कब और क्यों बोलते हैं? ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हमारे साथ कोई काम जारी होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी एक्शन अगर आपके साथ जारी है तो एक काम करें, उसमें एक आवाज लगा दें, वो आवाज होगी इंग की आवाज। कौन सी आवाज? इंग की आवाज। अगर हम चेक करें तो मेरे और आपके बीच में अभी और भी बहुत सारे एक्शन जारी हैं, जैसे मैं इस समय टीच कर रहा हूं तो टीच वाला एक्शन जारी है, मैं स्पीक कर रहा हूं, स्पीक वाला एक्शन भी जारी है, और मैं राइट कर रहा हूं तो लिखने वाला एक्शन भी जारी है। तो मेरी बात मानिएगा, दुनिया का कोई भी एक्शन मतलब काम, दुनिया का कोई भी एक्शन अगर जारी हो उसमें इंग लगा दें। अच्छा इसका मतलब ये टीच वाला एक्शन जारी है तो उसका क्या बन जाएगा, टीचिंग। स्पीक वाला एक्शन जारी है तो स्पीकिंग, राइट वाला एक्शन जारी है तो राइटिंग। उसी तरीके से प्ले वाला एक्शन जारी है तो प्ले का क्या बन जाएगा, प्लेइंग। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्लेइंग वाला एक्शन, प्ले वाला एक्शन अगर जारी है तो ये पक्का किसी ना किसी व्यक्ति के साथ जारी होगा, या तो ये आई के साथ जारी होगा, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, ही के साथ, या शी के साथ, है ना। बट एक बात याद रखिएगा, इट डजंट मैटर कि किसके साथ जारी है, अगर एक्शन जारी है तो उसमें इंग लगेगी, इंग सब जगह लग जाएगी, जिसके साथ भी जारी है। तो आई के साथ जारी है तो आई प्लेइंग, यू प्लेइंग, दे प्लेइंग, वी प्लेइंग, ही प्लेइंग, शी प्लेइंग। मतलब क्या हुआ, मैंने देखा कि दुनिया का कोई एक्शन जारी हो उसमें क्या लगा दो, उसमें इंग लगा दो, और जिसके साथ जारी है उसका नाम लगा दो, उससे पहले लगा दिया। चलिए इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं कि अगर ये एक्शन जारी है आई के साथ तो हम बीच में लगा देंगे एम, अगर एक्शन ये जारी है यू दे वी के साथ तो हम लगा देंगे आर, तो अगर ये एक्शन ही शी के साथ जारी है तो बीच में लगा देंगे इज, और हमारा सेंटेंस बन गया। चेक कीजिएगा कैसे बना, आई एम प्लेइंग। यू के लिए कैसे बना, यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। इसको आगे थोड़ा देख लेते हैं, साफ साफ लिखा हुआ मैंने आपके लिए कि आई के साथ काम जारी है तो आई एम, तो यहाँ पे हम प्ले ले लेते हैं, पी एल ए वाई, और उसमें इंग लगा देते हैं, तो आई एम प्लेइंग। यू के साथ जारी है तो यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग। चेक करो जरा, क्या इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको हिंदी सोचना पड़ा, हिंदी मतलब जैसे कि हमने यहां पर हिंदी सोचा था कि रहा है, रहे हैं, रही है, फिर टेंस लगाओ। क्या आपने इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपने क्या कोई हिंदी या कोई टेंस सोचा? नहीं। अच्छा आपने किया क्या, उसको चेक कर लेते कि आपने क्या किया। आपने किया कि आपने देखा, अच्छा एक्शन काम जारी है, देखो मैं खेल रहा हूं, यहाँ पे कोई काम जारी है, काम कौन सा है, एक्शन कौन सा है, प्ले। तो आपने मेरी बात मान के क्या किया, इंग लगा दिया, मतलब दुनिया का कोई भी काम अगर जारी है उसमें क्या लगा दे, इंग। अब जिसके साथ जारी है उसका नाम लगा दें, और अगर आई के साथ जारी है तो बीच में क्या लगा दें, एम। यू देवी के साथ लगा दें आर, वही शी के साथ लगा दें इज। हमने इस तरीके से सेंटेंस बनाया,
वो हमने इस सेंटेंस को सीखने के लिए रहा रही नहीं सोचा, वो हमने कोई टेंस भी नहीं सोचा। तो हमने क्या सोचा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने सोचा, हमने देखा कि दुनिया का कोई भी काम, दुनिया का कोई भी एक्शन अगर जारी है उसमें क्या लगा दे, इंग, जिसके साथ जारी है उसका नाम लगा दें, और अगर आई के साथ जारी है तो एम लगा दें, यू के साथ जारी है आर लगा दें, दे के साथ जारी है आर लगा दें, वी के साथ जारी है आर लगा दें, ही शी के साथ जारी है तो इस लगा दें। वही आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है कि आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। एक काम करते हैं, हम एक्शन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे एक्शन ले लेते हैं डांस। अगर आपके साथ डांस वाला एक्शन जारी है तो सबसे पहले तो डांस में क्या लगेगा, इंग, डांसिंग बन जाएगा, और क्योंकि आपके साथ जारी है तो आप लगा दोगे आई, और क्योंकि आई के साथ जब काम जारी होता तो एम लगाना है, तो सेंटेंस बन गया आई एम डांसिंग। अच्छा, यू के साथ जारी है तो इंग तो लगा ही रहेगा डांसिंग, हाँ यू के साथ जारी है तो हम लगाते हैं आर, तो सेंटेंस बन जाएगा यू आर डांसिंग। अच्छा, दे के साथ जारी है एक्शन डांस वाला, तो इंग तो लगा रहेगा, डांसिंग लगा रहेगा, हाँ दे के साथ भी लग जाएगा आर, तो सेंटेंस बन जाएगा दे आर डांसिंग, वी आर डांसिंग, ही इज डांसिंग और शी इज डांसिंग। मतलब हमने ये सेंटेंस कैसे बनाया, हमने बनाया कि दुनिया का कोई भी एक्शन काम अगर जारी है, कुक जारी है तो कुकिंग बन जाएगा, वर्क जारी है वर्किंग बन जाएगा, जंप जारी है जंपिंग बन जाएगा, प्ले जारी है प्लेइंग बन जाएगा, वॉश वाला काम जारी है वॉशिंग बन जाएगा, क्लीन वाला एक्शन जारी है क्लीनिंग बन जाएगा, वो जिसके साथ जारी है उसका नाम लगा दो। याद रखने वाली बात छोटी सी है क्या, कि आई के साथ एम ही लगाना है आपने, और यू देवी के साथ आपने आर लगाना है, और ही शी के साथ इज लगाना है, और आपका सेंटेंस बन गया। हमें हिंदी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें किसी टेंस को भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए एक सेंटेंस और बनाते हैं आपकी मदद से। इससे पहले कि उस सेंटेंस को हम बनाए, हम मैं आपको यहीं पर, चलिए तो अभी हमने जो सेंटेंस बनाया उसमें हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने एक्शन को देखा और एक्शन में लगा दिया इंग, यस, और उसके साथ में क्या लगा दिया, इज एम आर। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया का कोई भी काम अगर जारी है वो जारी ही रहता है कि खत्म भी हो जाता है, सोचो जरा। बिल्कुल खत्म होता है, कोई काम जारी है मतलब अगर प्ले वाला काम जारी है तो प्ले वाला काम एक समय के बाद में खत्म भी होगा। अच्छा जब प्ले वाला काम जारी होता है, जब कोई भी एक्शन जारी होता है तो उसमें कौन सी आवाज लगती है, इंग की। एक बात मानिएगा, दुनिया का कोई भी एक्शन अगर खत्म हो, दुनिया का कोई भी एक्शन अगर अभी अभी खत्म हो, उसमें से इंग की आवाज को हटा करके उसमें ड की आवाज लगा देना, कौन सी आवाज लगा देना, ड। तो प्लेइंग का क्या बनेगा, प्लेड, इंग को हटाया ड लगाया, वॉशिंग का वॉश्ड, जंपिंग का जंप्ड, वॉकिंग का वॉक्ड और क्लीनिंग का क्लीन्ड। चलो बना के देखते हैं कि सपोज आई के साथ में प्ले वाला एक्शन आ रही है तो सेंटेंस बना आई एम प्लेइंग। अच्छा अगर आई के साथ जा रही है तो खत्म भी तो आई के साथ होगा, तो हम ये काम करते हैं प्ले में इंग को हटा करके वहां पे हमने लगा दिया ड, तो प्लेइंग का क्या बन गया, प्लेड, और क्योंकि काम आई के साथ जारी है तो खत्म भी तो आई के साथ होगा, आई का नाम भी तो आई प्लेड। अच्छा यू के साथ जारी है तो आपने बनाया ये सेंटेंस यू आर प्लेइंग, वो काम अगर यू के साथ खत्म होगा तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्ले में क्या लगा दिया ड, और यू तो लगेगा क्योंकि यू के साथ अभी भी खत्म हुआ है काम। अच्छा दे आर प्लेइंग, और जैसे ही काम खत्म हुआ एक्शन खत्म हुआ प्ले का क्या बन गया, प्लेड, और दे का नाम लगा दे क्योंकि काम दे के साथ अभी भी खत्म हुआ है। चलिए वी आर प्लेइंग, और जैसे ही काम खत्म हुआ वी हमने इंग हटाया और इंग की जगह क्या लगा दिया ड, तो वी प्लेड। अच्छा ही
is playing, और जैसे ही ने काम खत्म किया तो क्या बना, ही, प्ले में इंग को हटा के ड लगा दिया, प्लेड, शी इज प्लेइंग, और जैसे ही काम को खत्म किया तो बन गया शी प्लेड, मतलब काम अगर जारी है, दुनिया का कोई भी काम अगर जारी है उसमें क्या लगा दो, इंग लगा दो, जैसे ही कोई काम एक्शन खत्म हो उसमें ड लगा दो। अच्छा काम जारी है तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, यू देवी के साथ लगेगा, आर, ही शी के साथ लगेगा, इज। ठीक बात बताओ, जब काम अभी भी खत्म हुआ है तो आपने यहां पर कुछ लगाया, यहां तो कुछ नहीं लगाया, अच्छा वहां पे क्या लगाया था, इज एम आर, यहां पे क्या लगाओगे, यहां पे काम करना, मेरी बात मानना, आई के साथ लगा देना हैव, यू के साथ भी हैव, दे के साथ भी हैव, वी के साथ भी हैव, और ही के साथ क्या लगा दो, has, और she के साथ भी लगा दो has, वो हमारा sentence बन गया। चेक कीजिएगा, I am playing, जैसे ही आपने काम खत्म किया तो sentence क्या बना, I have played। अच्छा you खेल रहा है, you are playing, जैसे ही you ने काम खत्म किया तो sentence क्या बना, you have played। चलिए मैंने देखो, दे के साथ खेलने वाला काम जारी होते हुए देखा तो मैंने बोला they are playing, जैसे ही उन्होंने काम खत्म किया तो क्या बन गया, they have played, we are playing, और जैसे ही हमने काम खत्म किया तो sentence क्या बन गया, we have played। चलिए he is playing, और जैसे ही ने काम खत्म किया, he has played, she is playing, और जैसे ही she ने काम खत्म किया तो क्या sentence बन गया, she has played। चेक करना, हमने दूसरा सेंटेंस भी बना लिया, और मुझे याद है जब हम ये दूसरा सेंटेंस स्कूल में बनाते थे ना, तो देखो जरा, आई एम प्लेइंग, काम खत्म हुआ तो आई हैव प्लेड, मुझे याद है, अब भी याद करो कि स्कूल में कैसे सीखा था, स्कूल में इसी सेंटेंस को सिखाते हैं कि बेटा जहां चुका है, चुके हैं, चुकी है लगा हो, वहां पे पता नहीं कौन सा टेंस बोलते हैं वो लगाओ, फिर अंग्रेजी बनाओ। अरे यार हमने कोई हिंदी नहीं सोचा, हमने कोई टेंस नहीं सोचा। अच्छा हमने क्या किया, हमने सिंपल ये किया, हमने देखा कि दुनिया का कोई काम अगर जारी है तो खत्म भी होता है, तो एक काम करो, जैसे ही खत्म होता है उसमें क्या लगा दो, ड, क्या लगा दो, ड, और अगर वो काम आई के साथ खत्म हुआ है तो हैव लगा दो, यू के साथ भी है, दे के साथ भी है, वी के साथ भी है, ही शी के साथ क्या लगा दो, हैज, हमारा सेंटेंस बन गया। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कुक वाला एक्शन हम ले लेते हैं कि आई के साथ अगर कुक वाला एक्शन जारी है तो सेंटेंस क्या बना, आई एम, और यहाँ पर प्ले की जगह हम लगा लेते हैं कुक, तो आई एम कुकिंग, आई एम कुकिंग, जैसे ही आपने कुकिंग वाला काम फिनिश किया, खत्म किया, तो आई हैव कुक्ड, यू आर कुकिंग, You have cooked। हम यहाँ पे play की जगह, हम लिखा तो play हुआ लेकिन हम cook लेके चल रहे हैं। चलिए action change कर लेते हैं, action है paint, कि अगर he के साथ paint वाला काम जारी तो he is painting, और जैसे ही उसने काम खत्म किया तो sentence क्या बन गया, he has painted। चलिए count वाला action ले लेते हैं, she के साथ लेते हैं, She is counting। अच्छा इंग लगाया आपने, क्यों, काम जारी है, she के साथ counting वाला काम जारी है, she is counting, और जैसे ही she ने counting वाला खत्म किया action, तो सबसे पहले क्या लगा, action में counting में इंग हटा, ड लग गया, तो counted बन गया, और counted के साथ में she के साथ काम खत्म हुआ है, action खत्म हुआ है, तो she has counted। वो कॉल एक्शन लेते हैं, और देख के साथ में बात करते हैं, They are walking, और जैसे ही काम खत्म हुआ, they have walked। Wash वाला एक्शन ले लेते हैं, we के साथ, we are washing, और जैसे ही काम खत्म किया तो we have washed। तो चेक कीजिएगा, हमने दो सेंटेंस बना लिए, अभी तक हमने कोई हिंदी सोचा नहीं, हमने कोई टेंस सोचा नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम एक तीसरा सेंटेंस बनाएंगे,
लेकिन उसको बनाने से पहले हम समझेंगे कि तीसरा सेंटेंस बनाना कौन सा है। हमने एक सेंटेंस बनाया, सबसे पहला सेंटेंस बनाया कि कोई भी दुनिया का एक्शन अगर जारी है तो उस एक्शन में क्या लगा दें, इंग लगा दें, और एक्शन के साथ में क्या लगा दें, इज एम आर। और फिर हमने समझा कि दुनिया का कोई भी अगर एक्शन जारी है तो खत्म भी तो होगा ना, जैसे ही एक्शन खत्म होगा एक्शन में क्या लगा दो, ड। और अगर ड लगाएंगे जब एक्शन कोई भी काम खत्म होगा, और ड के साथ में क्या लगाते हैं, हैव हैज, और आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, और ही शी के साथ क्या लगाते हैं, हैज, काम खत्म होने पर। अब हम तीसरा सेंटेंस बनाएंगे, और तीसरा सेंटेंस क्या है, जैसे हम बोलते ना कि मैंने खेला था, खेला था मतलब पुराने समय में, पुराना समय क्या होता है, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 25 दिन पहले, 25 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, पुराने समय में आपने कोई काम किया, याद करो स्कूल वाला सिस्टम, वहां पे कैसे कहते हैं, वही मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, था, थे, थी, तो कोई टेंस की बात करते हो, तो सबसे पहले हिंदी सोचने की जरूरत पड़ती है, हमें टेंस भी सोचना पड़ता है, याद भी करना पड़ता है। नहीं, हम टेंस नहीं सोचेंगे, हम कोई हिंदी नहीं सोचेंगे, हम ये बात सोचेंगे, अच्छा कोई भी दुनिया का काम, दुनिया का कोई भी एक्शन अगर मैंने पुराने समय में किया, पुराना समय मतलब 10 साल पहले, 20 साल पहले, 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले किया, क्या किया, काम, काम मतलब एक्शन, दुनिया का कोई भी एक्शन अगर आपने पुराने समय में किया तो उस एक्शन में क्या लगा देंगे, ड। अच्छा ड फिर से आ जाएगा, हाँ फिर से आएगा, जब काम अभी भी खत्म किया था तो वहां पर भी हमने एक्शन के साथ ड लगाया था, और अगर हम बात कर रहे हैं कि पुराने समय में किया तो भी हम एक्शन में क्या लगाएंगे, ड। तो जैसे यहाँ पर प्लेइंग बना, यहाँ प्लेड बना, तो यहां भी क्या बनेगा, प्लेड बनाए, चलिए बनाते हैं, बड़ा आसान है, चेक कीजिएगा जरा, ये देखिए, आई एम प्लेइंग, काम खत्म हुआ, आई हैव प्लेड। अगर मुझे बनाना है कि कोई काम मैंने पुराने समय में किया, बड़ा इजी है, बड़ा आसान है, दिखाऊं, ये देखिएगा, आई प्लेड, अच्छा यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, अभी भी काम खत्म किया, यू हैव प्लेड, पुराने समय में किया, यू प्लेड, अच्छा दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, देने काम अभी भी खत्म किया, दे हैव प्लेड, और पुराने समय की बात करें, 10 दिन पहले, 10 साल पहले, 10 घंटे पहले, दे प्लेड, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, काम अभी भी खत्म हुआ, वी हैव प्लेड, और 10 दिन पहले, 10 घंटे पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले किया, तो वी प्लेड, ड लगा रहा, देखो ड लगा हुआ है आपके सामने, अच्छा ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, जैसे ही काम खत्म किया, ही हैज प्लेड, और पुराने समय की बात करेंगे तो ही प्लेड, शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, जैसे ही काम खत्म हुआ, शी हैज प्लेड, और पुराने समय की बात करनी है तो शी प्लेड, पुराने समय क्या, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 10 घंटे पहले, 2 हफ्ते पहले, 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, ये सब पुरानी बात है। चेक करो, काम अभी भी खत्म हुआ हो तो उसके लिए ये सेंटेंस है, और काम अगर पुराने समय में किया तो उसके लिए ये सेंटेंस है, फर्क क्या है, मुझे तो एक ही फर्क नजर आ रहा है कि यहां पर बीच में हैव हैज लगा है और वहां पर बीच में हैव हैज नहीं लगा, मुझे तो ये फर्क नजर आ रहा है, शायद आपको भी वही फर्क नजर आ रहा होगा, तो आपको एक फर्क नजर आ रहा है, एक फर्क नजर आ रहा है, अगर हम इसकी हिंदी बनाए तीनों सेंटेंसेस की, तो चेक कीजिएगा क्या बनेगा, आई एम प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा हूं, आई हैव प्लेड मतलब मैं खेल चुका हूं या मैंने खेल लिया है, आई प्लेड मतलब मैंने खेला था, देखो हम अगर हिंदी भी बना रहे हैं तो शायद बाद में, हम हिंदी से अंग्रेजी नहीं बना रहे, हम कोई रहा रही नहीं सोच रहे, हम कोई चुका चुकी नहीं सोच रहे, हम कोई था थे थी के बारे में नहीं सोच रहे, हम किसी टेंस के बारे में नहीं सोच रहे, उसके बिना ही सेंटेंस बन रहे हैं। चेक कीजिएगा जरा कि ये देखिएगा कि काम अभी भी खत्म किया आपने तो वहां पे आपने क्या किया, हैव और हैज के साथ में ईडी लगाया, ड लगाया, और अगर आपने पुराने समय की बात करनी है तो वहां पे ईडी तो आपने लगाया, बीच में से क्या हटा दिया, हैव हैज हटा दिया, और आपका तीसरा सेंटेंस भी बन गया।
एक काम करते हैं, तीनों सेंटेंस लगातार इकट्ठे बनाते हैं। जैसे डेकोरेट ले लेते हैं एक्शन, अगर आपके साथ डेकोरेट वाला एक्शन जारी है तो आप सेंटेंस बनाओगे आई एम, यहाँ प्ले की जगह हम डेकोरेट लगा देंगे, तो आई एम डेकोरेटिंग, आई एम डेकोरेटिंग। और जैसे ही डेकोरेट वाला काम खत्म हुआ तो आप क्या बोलोगे, आई हैव डेकोरेटेड। और अगर आपने बताना है कि ये काम आपने पुराने समय में किया तो आई डेकोरेटेड। दूसरा एक्शन ले लेते हैं काउंट का, यू आर काउंटिंग, यू आर काउंटिंग, यू आर काउंटिंग, यू आर काउंटिंग। और यू ने जैसे ही खत्म किया काउंट वाला काम, यू हैव काउंटेड। वो अगर 10 दिन पहले, 10 साल पहले, 2 घंटे पहले किया तो यू काउंटेड। एक्शन ले लेते हैं पेंट, वी आर पेंटिंग, वी आर पेंटिंग, वी आर पेंटिंग, वी आर पेंटिंग। और जैसे ही हमने काम को फिनिश किया, दे आर पेंटिंग, दे आर पेंटिंग, दे हैव पेंटेड। और अगर मैंने पुराने समय में किया, 10 साल पहले किया, दे पेंटेड, 20 साल पहले किया, दे पेंटेड, 10 घंटे पहले किया, दे पेंटेड। चलिए आगे है एक्शन ले लेते हैं हम लोग वॉक वाला, तो वी आर वॉकिंग, वी आर वॉकिंग, जस्ट अभी फिनिश किया है, वी हैव वॉक्ड। और पुराने समय में किया तो वी वॉक्ड। एक्शन ले लेते हैं डांस, और ले लेते हैं ही के साथ डांस वाला काम जारी है, ही इज डांसिंग, ही इज डांसिंग, ही इज डांसिंग। जैसे ही उसने फिनिश किया डांस वाला काम, रुका डांस करते समय, रुक गया वो, तो ही हैज डांस्ड। और अगर उसने 10 दिन पहले डांस किया तो ही डांस्ड, 20 दिन पहले ही डांस्ड, 2 घंटे पहले ही डांस्ड। चलिए अगला एक्शन लेते हैं कुक को ले लेते हैं, कुक, शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग। जैसे ही एक्शन खत्म हुआ, जैसे ही काम खत्म हुआ, शी हैज कुक्ड। और पुराने समय में किया तो शी कुक्ड। तो हमारे तीनों सेंटेंस बन गए, कोई हिंदी नहीं सोचनी पड़ी, कोई टेंस नहीं सोचना पड़ा हमको। चलिए अगर हम देखें तो जहां काम अभी भी खत्म हुआ हो और पुराने समय में खत्म हुआ, उन दोनों सेंटेंसेस में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि यहाँ पे हैव हैज के साथ ईडी लगा है, यहाँ हैव हैज के बिना ईडी लगा है ना। इसमें डिफरेंस तो नजर तो एक ही आ रहा है, क्या यहाँ हैव हैज के साथ ईडी लगा है, उधर हैव हैज के बिना ईडी लगा, यही नजर आ रहा है ना। लेकिन इसमें डिफरेंस है दो, दूसरा डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं कि दूसरा डिफरेंस क्या है। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो आप भी जब पढ़ते थे तो वहां पे ना कुछ फॉर्म सिखाई जाती थी कि एक्शंस होते हैं उनकी फॉर्म्स होती हैं, जैसे प्ले, फॉर्म्स कौन सी होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। याद आया होगा आपको भी कि जैसे प्ले है तो प्ले का सेकंड फॉर्म क्या रहेगा, प्लेड, और थर्ड फॉर्म प्लेड। अच्छा जंप का सेकंड फॉर्म, अच्छा फर्स्ट फॉर्म जंप है, सेकंड फॉर्म जंप्ड, थर्ड फॉर्म जंप्ड। ओके अब यहां देखिएगा, 80% बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले जितने भी एक्शंस होते हैं, उसमें से 80% एक्शंस की आपको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बनाना बड़ा आसान है, कैसे, ईडी लगा के बना दो, ड लगा के बना दो। चेक कर लो ये जितने भी एक्शन हमने यूज किए हैं, क्लीन, इसका अगर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मुझे बनाना है तो क्या बोलूंगा, क्लीन, 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 वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, jump, jumped, jumped, cook, cooked, cooked, walk, walked, walked। maximum बोलचाल के जो actions होते हैं उसकी second form, third form बनाना बड़ा आसान है। कैसे करोगे, द लगा दोगे, सिंपल बन जाएगा। चलिए लेकिन 20% जो actions होते हैं उनकी second form, third form थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे go है, second form बन जाएगी went, third form बन जाएगी gone। अच्छा take है, सेकेंड फॉर्म बन जाएगा टुक, और थर्ड फॉर्म बन जाएगा टेकन। अब मैं वापस वहीं लेके आता हूं कि इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम एक्शंस की, 80% एक्शन की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे बनती है, ईडी लगा के बन जाती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे भी ईडी लगा हुआ, यहाँ पे भी ईडी लगा हुआ। इसका मतलब ये हुआ ईडी दो तरह का होता है, एक ईडी सेकेंड फॉर्म होता है और एक ईडी थर्ड फॉर्म होता है। हाँ तो यहाँ पे देखिएगा पीछे वाले सेंटेंसेस में, यहाँ पर एक जगह पे हैव हैज के साथ ईडी लगा हुआ है, एक जगह पे हैव हैज के बिना ईडी लगा हुआ है। तो इसमें हमें जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो तो देखने में तो एक ही नजर आ रहा है कि सर यहाँ हैव हैज लगा हुआ है और यहाँ हैव हैज नहीं लगा हुआ है। डिफरेंस देखने में एक ही नजर आ रहा है, लेकिन उसमें दूसरा डिफरेंस भी है। क्या वो है? एक ईडी जो है वो सेकेंड फॉर्म है, एक ईडी थर्ड फॉर्म है।
एक ईडी क्या है, सेकंड फॉर्म है, एक ईडी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ईडी दो तरह से बनते हैं। ये देखिएगा, प्लेड प्लेड, तो प्लेड ईडी लगा, ये सेकंड फॉर्म है, और प्लेड के साथ ईडी लगा, प्ले के साथ ईडी लगा, ये थर्ड फॉर्म है, जंप के साथ ईडी लगा, ये सेकंड फॉर्म है, जंप जंप जंप्ड, प्ले प्लेड प्लेड, मतलब एक जो ईडी होता है वो सेकंड फॉर्म होता है और दूसरा थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर एक जगह पे सेकंड फॉर्म होगा, एक जगह पे थर्ड फॉर्म होगा। गेस करो कहाँ पे सेकंड होगा, कहाँ थर्ड होगा, क्योंकि ईडी दो तरह के होते हैं, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। याद आ रहा है कुछ? चलिए, नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो सारे के सारे ईडी हैं ये हैं थर्ड फॉर्म, और ये जो सारे के सारे ईडी लगे हैं ये हैं सेकंड फॉर्म। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस ऐसे बनाते हैं जिसमें हम ईडी की जगह दूसरे एक्शन यूज करते हैं, जहां पर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी से नहीं बनता। जैसे गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है। देखिएगा जरा आगे, ये देखिए, जैसे टेक है, फर्स्ट फॉर्म हो गया टेक, सेकंड फॉर्म टुक हो गया, और थर्ड फॉर्म टेकन हो गया। तो अगर टेक वाला एक्शन जारी है आई के साथ तो इंग लगेगा, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, और जैसे ही काम खत्म हुआ तो आई हैव। तो अभी अभी आपने समझा था कि हैव हैज के साथ जो ईडी लगता है वो कौन सा फॉर्म होता है, वो थर्ड फॉर्म होता है, वो हैव हैज के बिना जो ईडी लगता है वो सेकेंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये सारी सारी क्या लग रही हैं, ये थर्ड फॉर्म लग रही हैं, और यहाँ पे ये क्या लग रही हैं, ये सेकंड फॉर्म लग रही हैं। तो आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, अच्छा टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। तो काम अभी भी खत्म हुआ है तो कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। तो आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, जैसे ही काम खत्म हुआ आपने बोला आई हैव टेकन टी। अच्छा पुरानी बात करनी है, 2 दिन पहले चाय पीने की बात करनी है, आप सेकंड फॉर्म लगा दो, आई टुक टी। देख रहे हैं, यू आर टेकिंग टी, यू आर टेकिंग टी, यू आर टेकिंग टी, जैसे ही काम खत्म हुआ यू हैव के साथ में कौन सा फॉर्म लगना है, थर्ड फॉर्म, तो यू हैव टेकन टी। और 2 साल पहले, 2 महीने पहले, 2 दिन पहले, 2 घंटे पहले किया तो यू टुक टी, वी आर टेकिंग टी, वी आर टेकिंग टी, वी हैव टेकन टी, वी टुक टी। इसी तरीके से दे के साथ सेंटेंस बन जाएगा, दे आर टेकिंग टी, दे आर टेकिंग टी, काम खत्म होते दे हैव टेकन टी एंड दे टुक टी। ही के साथ भी बन जाएगा, ही इज टेकिंग टी, ही इज टेकिंग टी, ही इज टेकिंग टी, जैसे काम खत्म हुआ ही हैज टेकन टी, और पुरानी बात करनी है तो ही टुक टी, शी इज टेकिंग टी, शी इज टेकिंग टी, शी इज टेकिंग टी, जैसे काम खत्म हुआ शी हैज टेकन टी, और पुरानी बात करनी है तो शी टुक्टी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे एक्शन है ड्राइव, सेकंड फॉर्म होगी ड्रो, थर्ड फॉर्म होगी ड्रिवन। आई एम ड्राइविंग कार, आई एम ड्राइविंग कार, आई एम ड्राइविंग कार, जैसे काम खत्म हुआ तो आई हैव, वो आई हैव के साथ में कौन सा फॉर्म लगना है, अभी अभी हमने समझा पहले, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रिवन, तो आई हैव ड्रिवन कार। अच्छा पुरानी बात करनी है, 2 साल पहले कार चलाई, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, 20 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, सेकंड फॉर्म लगा दो, आई ड्रोव कार, यू आर ड्राइविंग कार, यू आर ड्राइविंग कार, जस्ट नाउ, अभी भी फिनिश किया है, यू हैव ड्रिवन कार, और पुरानी बात करनी है तो यू ड्रोव कार, वी आर ड्राइविंग कार, वी आर ड्राइविंग कार, वी आर ड्राइविंग कार, वी हैव ड्रिवन कार, कौन सा फॉर्म लगा, थर्ड फॉर्म, और पुरानी बात करनी है तो वी ड्रोव कार। इसी तरीके से देगा सेंटेंस बन जाएगा, दे आर ड्राइविंग कार, दे आर ड्राइविंग कार, दे हैव ड्रिवन कार, दे ड्रोव कार, ही इज ड्राइविंग कार, ही इज ड्राइविंग कार, ही इज ड्राइविंग कार, ही हैज, थर्ड फॉर्म ड्रिवन कार, पुरानी बात करेंगे ड्रोव कार, शी इज ड्राइविंग कार, शी इज ड्राइविंग कार, शी हैज ड्रिवन कार, पुरानी बात करनी है शी ड्रोव कार। हमने इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए कोई हिंदी सोची नहीं, कोई टेंस सोचा नहीं,
बिना हिंदी सोचे, बिना टेंस सोचे ही हमने इन सेंटेंसेस को बनाया। सो गाइस, इस तरीके से आप लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से बिना कोई टेंस रटे आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं। मैं अपनी पुरानी बात पे वापस आता हूँ, जो बात मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस किया था कि हम जब इंग्लिश की बात होती है तो हमारे यहाँ इंग्लिश कैसे सीखी जाती है। हमारे यहाँ इंग्लिश सिखाने का तरीका क्या होता है, पहले हिंदी सोचो फिर उसके साथ टेंस लगाओ। हमने कोई हिंदी नहीं सोची, कोई रहा रही, कोई चुका चुकी, कोई ताते थी, कुछ भी नहीं सोचा, कोई थाते थी नहीं, कोई टेंस का नाम भी नहीं लिया हमने। वो हमने देखिएगा तीनों के तीनों सेंटेंस बनाए, तीन सेंटेंस। अभी आपको इस एग्जाम्पल में, इस डेमो में हमने तीन सेंटेंस बनाए, लेकिन बाकी सेंटेंस भी इसी तरीके से बन जाएंगे, बाकी सेंटेंस भी इसी तरीके से बन जाएंगे। काम जारी है, इंगलाएं। काम अभी भी खत्म हुआ है, ड लगाएं। काम पुराने में समय में खत्म हुआ था तो भी ड लगाएं। काम अभी भी खत्म हुआ है, हैव हैज के साथ ड लगाएं। वो काम पुराने समय में खत्म हुआ था तो हैव हैज के बिना ड लगा दें। अच्छा, ड दो तरह से होता है, कैसे कैसे होता है, ड सेकंड फॉर्म भी होती है, ड थर्ड फॉर्म भी होती है। चेक कीजिएगा, यहाँ सेकंड फॉर्म बीडी से बनती है, थर्ड फॉर्म बीडी से बनती है ना। तो इसका मतलब यहां पर भी ईडी लगा है, यहाँ पे भी ईडी लगा है, इसका मतलब एक जगह पे सेकंड फॉर्म होगा, एक जगह पे थर्ड फॉर्म होगा। वही मैंने आपको बताया कि हैव हैज के साथ जो ड लगा होगा वो थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब हैव हैज के साथ जो एक्शन लगता है उसमें हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। वो हैव हैज के बिना जो ईडी लगता है, ड लगता है, वो कौन सी फॉर्म होती है, वो सेकंड फॉर्म होती है। इसका मतलब पुराने समय की बात करनी हो तो हैव हैज के बिना कौन सी फॉर्म लगा दें, सेकंड फॉर्म लगा दें, जैसा कि आपने लास्ट में किया। ये देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म टेक है, सेकंड फॉर्म टुक है, थर्ड फॉर्म टेकन है। आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, जैसे ही काम खत्म हुआ, आई हैव के साथ कौन सा फॉर्म लगाया आपने, थर्ड फॉर्म, आई हैव टेकन टी। और पुराने समय की बात करेंगे तो आई टुक टी। सो गाइज, इस तरीके से आपने ये सिस्टम को समझा। ये जो मेथड है, ये हम करीबन पिछले 20 सालों से इस मेथड से हजारों लाखों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। और आप भी अगर इस मेथड से की मदद से आप इसका इस कोर्स को, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारा पेज है फेसबुक पर, इंग्लिश गुरु आनंद संदेश। हमारी वेबसाइट भी है englishguruanandsandesh.com। उस पर जाकर के आप हमारे टेस्टिमोनियल्स पढ़ें, लोगों की हमारे बारे में क्या राय है। आप फेसबुक पर बहुत से लोगों के रिव्यूज पढ़िए, लोगों की हमारे बारे में क्या राय है। और ये जो टोटल कोर्स हम देते हैं, ये कोर्स जो होता है ये 2 महीने का रहता है, मंडे टू फ्राइडे इसके लिए क्लास रहती है, 1 आवर का सेशन हर रोज रहता है। और ये लाइव जूम पर लाइव क्लासेस चलती हैं। और इसका जो 2 महीने का, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 महीने का पीरियड है, मंडे टू फ्राइडे क्लास है, 1 आवर का क्लास आपको हर रोज मिलेगा। और दुनिया के सबसे आसान तरीके से बिना टेंस रटे, बिना हिंदी सोचे आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं, उसका आपने डेमो भी देख लिया है। बहुत से लोगों का ऐसा मतलब रहता है जब वो ऑनलाइन ऐड देखते हैं कि सर वी वांट डेमो, तो ये आपके लिए डेमो है। और इसके बाद आप चाहें तो हमें रिंग करके हमारे फ़ोन नंबर पर बात करें और अपना जो भी सुटेबल टाइम है उसको बताएं। और हमारे जो बैचेस हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक भी चलते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, अभी खासकर लॉकडाउन के दौरान करीबन 17 से 18 स्टेट, अलग अलग स्टेट से लोग जो हैं वो इंग्लिश हमारे साथ सीख रहे हैं। इवन हम लोग IELTS का कोर्स भी ऑनलाइन कराते हैं। जो लोग स्टडी वीज़ा पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा जाते हैं तो ये कोर्स IELTS का कोर्स भी अवेलेबल है। एंड आई वुड फिनिश दिस डेमो सेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। And you just feel free to join our course. Call us anytime. Thank you. Take care.